अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑपन किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ आज देखिए ज्यादा मुकाम यही है कि इसमें से रीजनिंग क्वेश्चन पेपर में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे पहुंच के किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आए। आपने लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना करना है जितना उसके ऊपर बाहर से दबाव है। अगर ओपन कंटेनर है और लिक्विड के ऊपर दबाव है 760 मिलीलीटर एचजी, तो वेपर प्रेशर भी 760 मिलीलीटर एचजी करना पड़ेगा। इतना गर्म करेंगे वेपर प्रेशर 760 हो जाए, वो टेम्परेचर जिसके पहुंच के वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और कल हमने सबसे अहम बात ये की थी कि अगर आप किसी लिक्विड के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे तो आपको वेपर प्रेशर भी उसके बराबर लाना पड़ेगा, वेपर प्रेशर भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। यानी एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। मसलन अगर लिक्विड के ऊपर प्रेशर 760 मिलीलीटर एचजी हो तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वेपर प्रेशर 760 हो जाता है। अगर आप पानी के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा के 14 तो पानी का वेपर प्रेशर भी 1489 करेंगे तो वो बॉइल करेगा। तो 100 पे तो उसका वेपर प्रेशर 760 है, उसे 1489 के बराबर लाने के लिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक तकरीबन गर्म करना होगा। मुमकिन है आप सोचेंगे मैंने 1489 ही क्यों कंसीडर किया, वैसे ही मैंने ये कंसीडर किया क्योंकि 120 पे वेपर प्रेशर इतना होता है। आप एक्सटर्नल प्रेशर 1000 करते हैं, आप एक्सटर्नल प्रेशर 2000 करते हैं, आप एक्सटर्नल प्रेशर 900 करते हैं, जितना मर्जी कर लें बस उसके बराबर लाना पड़ेगा वेपर प्रेशर। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर लिक्विड के ऊपर किसी तरीके से आप बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देते हैं किसी तरह लिक्विड के ऊपर से प्रेशर कम कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी पानी के ऊपर एक्स्ट्रा 55 कर दिया जाए तो तकरीबन पानी बॉइल है। और अगर पानी के ऊपर प्रेशर को 0.8 तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे। बॉइल करने का मतलब गर्म होना हर किस नहीं है, बॉइल करने का मतलब गर्म होना नहीं, बॉइल करने का मतलब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर। कल हमने एक मिसाल मरीन तकरीबन और माउंट एवरेस्ट पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 69 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई पूछे जी ऐसा क्यों है, कहीं जी पानी के ऊपर प्रेशर चेंज होता जा रहा है, सी लेवल पे हवा का दबाव 760 है, मरी में तकरीबन 0.921 एटमॉस्फियर तकरीबन 750 मिलीमीटर का होता है और माउंट एवरेस्ट पे हवा का दबाव 323 है। जो जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं प्रेशर ऑफ एयर कम होता है, और प्रेशर ऑफ एयर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। आज का लेक्चर शुरू होता है एक बहुत अहम रीजनिंग क्वेश्चन से, व्हाई टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट। बड़ी दिलचस्प चीज है, पेपर के लिए बहुत अहम चीज है, और ये आप खुद घर पे भी करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
बीकर में पानी लें, खुले बर्तन में पानी लें, उसको गर्म करना शुरू कर चूल्हे पे रखो और उसमें एक थर्मामीटर लटका। शुरू में पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, थर्मामीटर शो करेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, अब आप नीचे चूल्हा जितना मर्जी तेज कर लें पानी का टेम्परेचर 100 से नहीं बढ़ेगा। हालांकि चूल्हा नीचे लगातार जल रहा है लेकिन टेम्परेचर 100 से नहीं बढ़ता। हत्या जब पानी खत्म हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर उसका 100 से नहीं बढ़ेगा। तो सवाल पैदा होता है कि हम तो अब भी हीट लिए जा रहे हैं तो टेम्परेचर 100 से क्यों नहीं बढ़ता, टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट हो जाता है, व्हाई टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट। पहले आप गर्म कर रहे थे, हीट दे रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था, अब उबलते हुए लिक्विड को भी आप हीट दिए जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर होगा। और यही पेपर में आता है वो हीट किधर जा रही है अगर टेम्परेचर। तो जवाब इसका ये है कि जब लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मैक्सिमम हो जाए, जितनी बढ़ सकती थी बढ़ जाए, इसलिए टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाए। अब अगर आपने हीट और दी तो वो काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाए, जो आप हीट सप्लाई करेंगे वो हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके लिक्विड को वेपर्स में चेंज कर, जितनी हीट देते जाएंगे उतना लिक्विड वेपर्स में जाता रहेगा। और वो लिक्विड को वेपर्स में चेंज कर रहे थे उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। No more increase in kinetic energy takes place, hence temperature remains constant at boiling point. तो शुरू में जो हीट ले रहे थे वो kinetic energy बढ़ा रही थी, इसलिए temperature बढ़ा रही थी। Boiling point पे temperature maximum हो जाता है, average kinetic energy maximum हो जाता है। अब जो हीट देते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में पूरे फोर्सेस पर में चेंज है, दैट हीट इज यूज्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वो हीट जाया नहीं हो रही, जितनी हीट देंगे वो लिक्विड को खराब न कर दे। इस बात को समझने के लिए एक मिसाल ले कि जैसे एक रबर हो, उसे आप खींचें, जब खींचते हैं उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और खींचे और बढ़ जाते, और खींचे और बढ़ जाते, एक हद को जाओ तो वो मैक्सिमम लेंथ हो जाती है। अब अगर आप खींचेंगे तो लेंथ बढ़ने के बजाय और खींचेंगे तो टूट जाएगा। शुरू में उसकी लेंथ बढ़ती जा रही थी खींचने से, लेकिन हर चीज की वो हद होती है। लिक्विड भी एक वो रबर भी एक खास हद तक स्ट्रेच करेगा, उससे ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी एक खास हद तक बढ़ेगी, उससे ज्यादा हीट देंगे तो बजाय काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाएंगे और वो लिक्विड लिक्विड नहीं रहेगा, वेपर्स में जाना शुरू। तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो व्हाई टेंपरेचर रिमेंस कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम व्हाटएवर हीट जितनी भी हरारत देते हैं सप्लाई टू द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स। वो हीट लिक्विड को वेपर्स में बदलती है, इट्स कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नो मोर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस, हेंस टेंपरेचर बिकम्स कांस्टेंट। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टीम कॉजेस मोर सीवियर उबलते हुए पानी में गलती से आप
डाल बैठे तो जलन पैदा होगी, मुमकिन है छाले बन जाए। लेकिन अगर स्टीम हो, उस स्टीम में आप कार डाल बैठे तो स्टीम से पानी की निस्बत ज्यादा शदीद जलन पैदा होगा। सवाल पैदा होता है कि स्टीम की तो पानी से ही बनी है, तो उससे जलन क्यों ज्यादा पैदा होगी? इसका भी जवाब एक फिक्रे में ये है, इट इज ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये क्या बात की, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जलन से क्या? आप एक नजर डालिए, इसको स्टीम में बदलने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, जिसे लेटेंट हीट वेपोराइजेशन कहते हैं। फिर ये उबलता हुआ पानी स्टीम में बदल, इसका मतलब है कि उबलते हुए पानी की निस्बत स्टीम की एनर्जी ज्यादा है। इस वो जो उबलते हुए पानी को हीट देते हैं और वो उसे स्टीम में बदलती है, वो हीट इस स्टीम के अंदर स्टोर हो गया। वो जो जो आप हीट देते हैं वो स्टीम के अंदर स्टोर होती है। इसका मतलब है स्टीम के अंदर हरारत की मिकदार उबलते हुए पानी से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर, क्योंकि उबलते हुए पानी को स्टीम में बदलने के लिए हीट देनी पड़ती है। इसका मतलब है स्टीम के अंदर हरारत की मिकदार पानी से ज्यादा है। इसके अंदर हरारत ज्यादा होगी, इंशाल्लाह वो जलन भी ज्यादा पैदा करेगी। तजर्बा शर्त है, केमिस्ट्री ऐसे नहीं आती, तजर्बा करना। आपकी बाबा या आपकी सिस्टर या कोई बाबची कुछ चपाती बना रहा हो तवे के ऊपर, रोटियां बना रहा हो, कभी कभी रोटी तवे पे डालें तो वो फूल सी जाती है, बॉल सा बन जाता है। अगर कोई रोटी फूल जाए तो आप दाएं देखें और बाएं देखें और चुप करके उसमें उंगली डालें, इंशाल्लाह आपको पता जाएगा स्टीम का इज मोर सीवियर। वो जो रोटी फूल जाती है उसके अंदर भाप भरी होती है। एक दिन मैं पढ़ा रहा था, ये समझाने की कोशिश की, तो एक बच्चे ने कहा सर रोटी में भाप कहाँ से आ गया? वो जो आटा आपने गूंदा है, मुमकिन आप कहें जी मैंने तो गूंदा ही नहीं, तो अम्मी ने गूंदा। तो चलो जिसने भी गूंदा वो पानी में गूंदा है, तो जब चूल्हे पे डालते हैं तो वैसे वो पानी उड़ता है, एवेपोरेट होता है। लेकिन अगर रोटी दो हिस्सों में स्प्लिट करते, दो लेयर्स में तकसीम हो जाए, उसके अंदर दोनों लेयर्स के दरमियान हाथ भरना शुरू हो जाए और उस भाप में हाथ चला जाए गलती से, बड़ी शदीद जलन पैदा होगी, क्योंकि उसके अंदर हरारत की मिकदार उबलते हुए पानी से भी कहीं ज्यादा है। एक फिक्रे में जवाब है इट इज ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब क्या है कि उबलते हुए पानी को स्टीम में बदलने की हीट देनी पड़ती, इसका मतलब है स्टीम के अंदर हरारत सरगोधा का पानी है, नमक हो सकता है। आप इसे गर्म करके बॉयल करेंगे तो सिर्फ पानी के बुखारात बन के ऊपर जाएंगे, नमक बुखारात नहीं होती है। उन बुखारात को इधर से यहाँ इस ट्यूब में लेके जाए जिसे कंडेंसर कहते हैं, इसके अंदर ज्यादा ये वेपर्स ठंडे होते हैं, ठंडे होकर दोबारा लिक्विड बनते हैं। यहाँ जो लिक्विड इकट्ठा होगा वो डिस्टिल्ड लिक्विड होगा, नमक सारा यहाँ रह जाएगा, खालस पानी आ जाएगा। उनको बड़ा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है,
जैसे ग्लिसरीन बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 290 डिग्री सेंटीग्रेड, उन्हें डिस्टिल करना है तो पहले 290 तक गर्म करना पड़ेगा। अब 290 तक अगर ग्लिसरीन को गर्म करें तो वो डिस्टिल होने की बजाय डीकम्पोज हो जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है, सो कॉल्ड बर्न करता है, बॉन्ड्स टूट जाते हैं। अब उसको हमने डिस्टिल भी करना है, डीकम्पोज भी नहीं होने देना, तो उसका एक इलाज है। क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कर, कैसे कम करें? आप उसको प्रेशर को कम कर, अगर हवा का दबाव 760 है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप उसके ऊपर प्रेशर कम करके तकरीबन 50 मिलीमीटर का वैक्यूम पंप लगा कर उसके ऊपर हवा निकालने प्रेशर कम करते हैं तो उसको लो टेम्परेचर पे तकरीबन 210 डिग्री सेंटीग्रेड में भी डिस्टिल किया जा सकता है। तो डिस्टिलेशन एट रिड्यूस्ड प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। फायदा क्या है? Some liquids have very high boiling points. When they are distilled at their normal boiling point, they begin to decompose. However, they can be distilled without decomposition by decreasing pressure on that liquid. उसका तरीका ये होगा, इसी apparatus में यहाँ पे, यहाँ vacuum pump जोड़ देते हैं। वैक्यूम पंप जोड़ने से इस अपरेटस में से हवा खींच लेते हैं। जब हवा खींच लेंगे तो इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर कम हो जाए और उसके बॉइलिंग पॉइंट को कम किया जा सके। मिसाल बुक में दी हुई है ग्लिसरीन की नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 290 और वैक्यूम डिस्टिलेशन के तहत प्रेशर कम करके बॉइलिंग पॉइंट 210 तक कम किया जा सके और फायदा नहीं होता तो बगैर डीकम्पोजिशन के उसे डिस्टिल किया जा सकता। कभी जहन में आए, आमतौर पर नहीं आता, जहन होगा तो आए। फायदा क्या है डिस्टिलेशन क्यों करते हैं? तो डिस्टिलेशन लिक्विड्स को प्यूरीफाई करने का तरीका, लिक्विड्स को सेपरेट करने का तरीका, प्यूरिफिकेशन टेक्निक है जिसमें ये डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ती है। ग्लिसरीन को प्यूरीफाई करना हो तो वैक्यूम डिस्टिलेशन के जरिए इसे प्यूरीफाई करते हैं। ये जो है इस चैप्टर का शायद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है और क्यों करते हैं? किताब में सिर्फ एक पैराग्राफ दिया हुआ, अलग हेडिंग में भी होगी, बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक के ही आखिरी पैराग्राफ में इसका दस्तार दिया है। लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम करने का एक तरीका है वैक्यूम डिस्टिलेशन। प्रेशर कम करके उन्हें डिस्टिल करें तो उन्हें विदाउट डीकम्पोजिशन डिस्टिल किया जा सके। बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसके पेपर क्वेश्चन हमारा आ रहा है और एक्सरसाइज का जो 14 क्वेश्चन है लिक्विड स्टेट का 14 क्वेश्चन, उसको बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन हम साथ साथ करते जा रहे हैं। मसलन evaporation causes cooling हो गया, evaporation takes place at all temperature हो गया, boiling needs constant supply of heat हो गया, earthen ware vessel keep water cool हो गया, कैसे मट्टी के घरों में पानी ठंडा क्यों रहता है? मट्टी के घरे porous होते हैं, उससे पानी evaporate होता है और evaporation causes cooling। You see evaporation का basic principle, one feel sense of cooling under the fan after bath, ये भी एवेपोरेशन के समान आता है। और सातवां है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट वन गिवन माउंट एवरेस्ट, प्रेशर कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। आठवां है वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू अवॉइड डीकंपोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड्स। वैक्यूम डिस्टिलेशन का फायदा बगैर डीकंपोजिशन के लिक्विड्स को डिस्टिल किया जा सकता है। सेंसिटिव लिक्विड का मतलब ये नहीं है कि लिक्विड पूरा बना जाता है पानी में, सेंसिटिव का मतलब है हीट सेंसिटिव, गर्म करने पे डीकंपोज
कौन भी परसों वैक्यूम डिस्टिलेशन के जरिए डिस्टिल किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस चैप्टर में से ज्यादातर रीजनिंग क्वेश्चन आए इसी तरह का। मट्टी के घरों में पानी ठंडा क्यों रहता है? मट्टी के घड़े होते हैं पोरस शानदार, और पोरस में से वाटर सरफेस पे आता है और सरफेस से आकर उड़ता है और वेपर्स जब बनते हैं एवेपोरेशन होती है, वेपर्स बनाने के लिए हीट की जरूरत होती है, वो बाकी वाला लिक्विड से वेपर्स एडजस्ट करते हैं, वेपर से चले जाते हैं और बाकी वाला लिक्विड का टेंपरेचर काम होता है एवेपोरेशन प्रोसेस में। इसके तहत मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा रहता है। कल इसी को इंशाल्लाह Okay.